राधे राधे जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फूड रेसिपी में। और आप सब उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे, अपना ख्याल रखिएगा। आज मैं बनाऊँगी खीर, तो चलिए देखते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। आप इस तरह से खीर एक बार ज़रूर बना के देखिए, बहुत ही पसंद आएगी। हमने चावल और साबूदाना बराबर क्वांटिटी में मिक्स करके खीर बनाई है। चलिए तो हम देखते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। हमने लिया है 1 लीटर दूध है, ये 1 कप से थोड़े चावल हैं, इतने ही साबूदाना है, सेम क्वांटिटी दोनों की बराबर। और ये कुछ ड्राई फ्रूट हैं, इसमें से बादाम है, काजू है, 6-7 इलायची लिए, 1 गरी का टुकड़ा लिया है। और अब हम रखते हैं इसे दूध को बॉईल करने, तब तक ये धो के तैयार कर लेंगे जब तक दूध में बॉईल आता है। दूध हमने गर्म होने रख दिया है गैस पे। अब हम चावल धो के और साबूदाना साफ कर लेते हैं और ये बादाम वगैरह तोड़ लेते हैं, इलायची पीस लेते हैं, तक दूध में आ रहा है उबाल। ये हमने ड्राई फ्रूट तोड़ लिए हैं, इलायची पाउडर है, काजू, बादाम, किशमिश, और ये चावल और साबूदाना धो के साफ करके रख लिए हैं। और इधर ये नारियल भी कद्दूकस कर लिया है। और इधर दूध में बॉईल आ चुका है, अभी हम इसमें डालते हैं। ये हमने चावल जो रखे हैं ये हम डालते हैं इसमें। इसे लो फ्लेम पे अच्छे से पकने देंगे, कम से कम आधे घंटा, तभी इसका टेस्ट जो है बढ़ेगा। इस तरह से आप खीर बनाइए, मिठाइयाँ भी फेल हो जाएंगी इसके आगे। चावल डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर दिए, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी चावल की। इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे। 10 से 15 मिनट हो गए हैं इसमें बॉयल आते हुए। अभी इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देते हैं इसके साथ ही, इलायची, सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए मैंने। लो फ्लेम पे धीमी आंच पे पकता रहेगा। अच्छे से कर दिया मिक्स और इसे अब उबलने देते हैं। इस पे जाली रख देते हैं। खीर को हमारे को आधा घंटा हो गया है लो फ्लेम पे पकते हुए, ये बन गई है। देखो चावल अच्छे से मिक्स हो गए हैं इसमें। अभी हम इसमें ये हमने जैसे चावल और साबूदाना लिए थे उसी कप से 1 कप डालेंगे इसमें चीनी। और इसे 2-3 मिनट और पकने देंगे। चीनी डालने के बाद हमेशा आप 2-3 मिनट इसे और लो फ्लेम पे पकाइए। इसका टेस्ट में जो एक चीनी के बाद डालने से वनीला सपन आता है ना, वो नहीं आएगा। और हमने सारे ड्राई फ्रूट, इलायची सब कुछ डाल दिया है। आप इस तरह से खीर बनाइए। दो से तीन मिनट इसे हो गए हैं उबलते हुए, खीर हमारी बन गई है। अब हम करते हैं गैस का फ्लेम बंद। गैस हमने बंद कर दी है, इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए, फिर आप खाइए इसे ठंडी ठंडी।